करने जा रहा हूँ अपने गाड़ी का ऑयल चेंज। ये है सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर 2012 का मॉडल। तो ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले जो टूल्स एंड ऑयल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है T45 का टूल जो हमें लगेगा ऑयल ड्रेन करने के लिए। ये आपको कोई भी मार्केट में किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे या जो भी टूल्स का दुकान है उसके ऊपर मिल जाएगा। यह है T45, आप यहाँ देख सकते हैं T45। दूसरा है जो ऑयल फिल्टर खोलने के लिए हमें आएगा, ये है 27 mm का बॉक्स टूल सेट। तो इससे हम खोलेंगे ऑयल फिल्टर। और बाकी ये सपोर्टिंग टूल्स है जो आपके काम में आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे खोलते हैं। ऑयल जो डालने वाले हैं वो हम डालने वाले हैं शेल का 5W30। उसके साथ मैं लेके आया हूँ ये बॉश का, ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है ऑयल फिल्टर। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डालते हैं। अभी ऑयल ड्रेन करने के लिए हम जाते हैं नीचे। ये है ड्रेन प्लग जो मैंने पहले थोड़ा लूज कर लिया था, तो मैं इसके नीचे रखूंगा ये। और इस आपको ये T45 का टूल जो है इसके हेल्प से मैंने इसको लूज किया था ऐसा रख के। ये जो आप इधर घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा और इस तरफ घुमाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। तो अभी मैं इसका ऑयल ड्रेन करने वाला हूँ। ऑयल गर्म हो सकता है तो मैं ऑयल ड्रेन हो रहा है पूरा। अभी इसको होने देते हैं ऑयल को ड्रेन और फिर खोलेंगे इसका ऑयल फिल्टर। ठीक है, तो अभी बोनेट को खोलते हैं। और ये है इसका ऑयल फिल्टर का पोजीशन, आपको वीडियो में बताता हूँ क्लियर। ये देखिए, ये है ऑयल फिल्टर का। यहाँ से हम ऑयल डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, इसमें भी बहुत ऑयल जमा होता है। तो ये मैंने अभी दोनों निकाल लिए हैं। अब इसके बाद इसको क्लीन करेंगे थोड़ा कपड़े की हेल्प से। ये पूरा ऑयल जो है ये हमें क्लीन कर लेना है। ये स्प्रिंग होता है इसके अंदर, इसको भी निकाल के हम क्लीन कर लेंगे। तो अभी मैं इसको साइड में रख देता हूँ क्लीन करने के लिए। ठीक है, फिर नया कैसे डालते हैं वो बताएंगे। पूरा हमारा ऑयल सील इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको शायद एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या सीजर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ये एरिया को भी क्लीन कर लेना है। स्प्रिंग को भी क्लीन कर लेना है। इसमें अभी इसमें डालेंगे नया। पहले मैं मेरे हाथ क्लीन कर लेता हूँ। अभी स्प्रिंग
ऑयल फिल्टर। पहले स्प्रिंग को रख दे, फिर चाहे तो आप ऐसा निकाल के भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस कैप को लगाइए, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि ये ऑयल कूलर होता है, तो ऑयल कूलर अगर लीक भी हो सकता है इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो। इसको हमने कर दिया, पास ये हो गया एकदम टाइट। अभी हमको करना क्या है, नीचे जाके लगाना है ड्रेन कैप, तो वो आप कैसे लगाते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसको क्लीन कर ले या डीजल से धो ले, मेरे पास WD-40 है, मैं उससे एक बार इसको क्लीन कर लेता हूँ। अभी ड्रेन प्लग जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है, अभी इसको लेके जाता हूँ लगाने के लिए। लगाने से पहले थोड़ा इसको क्लीन कर लेना चाहिए। इसका ड्रेन होल है और ये इसको क्लीन कर। अभी ऑयल जो डालेंगे वो डालेंगे 5W-30, कंपनी रिकमेंडेशन जो है 5W-40 है, जो भी 2012 के बाद के मॉडल है उनमें 5W-40 ही रिकमेंडेड है डीजल मॉडल के लिए, ये डीजल गाड़ी है। तो अभी हमें खोलना है इसका, यहाँ से हम ऑयल डालते हैं तो ये इसको हम खोल लेंगे हाथ से ही। ये खोल दिया, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम ऑयल फिल्टर लगाया हमने, इसको खोल दिया। इसको भी थोड़ा क्लीन कर लो ये कैप को, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और फिर हम डालेंगे ये 5W-30। ये बैठेगा इसमें 3.1 जब 3 लीटर 100 ml, तो ये 3.5 लीटर का है, तो इसमें से मैं पहले 400 ml निकाल लेता हूँ। ये देखिए जेन्युइन है, मैं इसको ओपन भी करता हूँ। ये देखिए शेल, ठीक है, तो इसमें से मैं 400 ml निकाल लेता हूँ, या तो ऐसा भी आप डाल सकते हैं, कोई इतना लॉजिक नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हुआ तो चलेगा, लेकिन पूरा 3.5 लीटर नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं इसमें से कम कर लेता हूँ थोड़ा ऑयल, और ऑयल डालने के लिए आप घर पे ही ऐसा कुछ एक बॉटल बना ले बड़ी वाली, जो ऑयल डालते समय आपको दिक्कत ना हो। तो मैं ये बिस्लरी का बॉटल था, इसको कट कर लिया डालने के लिए। क्या आप खोल के इसको ऐसा रख दूँगा, फिर यहाँ से ऑयल डालेंगे, ठीक है। पहले मैं ये कैप क्लीन कर लेता हूँ, अभी इसको डाल देंगे। मैंने इसको पूरा 3 लीटर कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ डालना है, फिर से एक बार देख लीजिए। इसको लगाया, बड़ा बॉटल भी ले सकते हैं ताकि इजीली आप उसमें ऑयल डाल सके। जो भी आपके कंपनी के मैनुअल में होगा वो ऑयल आप डालिए, आपके मैनुअल में देखिए कितना बैठता है। डीजल गाड़ी के लिए तो वही 5W-40 या 30, ये तो नया अभी निकला है, इसलिए मैं पिछले 4-5 सर्विसिंग से यही डाल रहा हूँ। और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 2012 के पहले की, उसमें आप 15W-14 भी डाल सकते हो। ये मुझे लगभग 2200 रुपये में गया है, मैं जेन्युइन स्टोर से ख़रीदा है,
जो मेरे पहचान के उनके पास से लाया हूँ। तो ये ऑयल में कोई डाउट नहीं है, ये ओरिजिनल ही है। अभी मैंने इसमें 3 लीटर लगभग डाल दिया है, तो ये 3.5 निकाला था, इसमें से 100 ml डाल देता हूँ। ऑलमोस्ट 100 ml हो गया, बाकी कभी टॉप अप की ज़रूरत गिरे तो उसमें डाल देंगे। अभी इसका लगा दिया है कैप। ऑयल गया, ये कैप है, इसको डालिए। बस ये आखिरी आवाज आने तक इसको ये कर लीजिए। अभी बोनेट करेंगे डाउन और देखेंगे।